जैन धर्म की भव्य कथा और मजबूत नींव लगभग 1000 वर्ष पूर्व के संघर्ष का परिणाम। समय की धारा को जैन मान्यता ने काल चक्र कहा, जिसके अलग अलग भागों को आरा कहते हैं। हर युग के, हर काल के अपने अलग नियम है, अलग विधान है। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, श्रम भी करना होगा। लोग कह रहे हैं तीर्थंकर महावीर आए, तीनों काल को जानने वाले सर्वज्ञ ज्ञानी। जरा मैं भी देखूं, ऐसा कौन ब्रह्मा उतर आया है जो लोगों को अपने इंद्रजाल में फंसा रहा है। तुमसे बड़ा चैत्यवासी मैंने नहीं देखा। चैत्यवासी असल में कर्मों से जाते बिल्कुल ही विपरीत थे। वर्तमान में जीना और वर्तमान भोगना ही जीवन का सही पर्याय है। शास्त्रों में लोभ और माया छोड़ने वाले को साधु कहा गया है, ना कि अनुष्ठान और लाभ के लालच में प्रवचन करने वाले को। दीक्षा का अपमान कर रहे हो। अपमान तो आप कर रहे हैं इस पवित्र जैन धर्म का। सत्य धर्म को ग्रहण करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। जहाँ जहाँ चैतवास का बोलबाला है, वहाँ अधर्म इस कदर बढ़ गया है कि किसी सच्चे साधुओं को नगर में घुसने की अनुमति नहीं है। मुट्ठी भर मूर्खों की ये मजा कि मेरे ही राज्य में आकर मेरे आदेश के विरुद्ध प्रवेश कर गए। शास्त्र कहते हैं कि धर्म पर संकट अर्थात राज्य का पतन। इस वाद विवाद में पड़ने से अच्छा है कि उन गुप्तचरों को यहाँ बुलाकर शास्त्रार्थ किया जाए। यहाँ सबके सामने उनके ज्ञान का मंथन भी हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जिस वस्तु से आसक्ति जागृत होती है वही परिग्रह है। जो मैंपन और मेरापन लगता है वही गांठ बांधने का कारण है। जो क्षण को पहचाने वो पंडित, जो कण को पहचाने वो पक्षी, जो मन को पहचाने वो व्यापारी, किंतु जो एक क्षण की कीमत को पहचाने वो साधक होता है, सच्चा साधक। वास्तव में सब कुछ खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है।